पिक्चर ने आपको इमोशनली भी अफेक्ट किया, क्योंकि वो हंसाते इतना है, तो मुझे तो पिक्चर बहुत अच्छी लगी। आई थिंक जब फिल्म मुझे आनंद रहा है कि हर पिक्चर अच्छी लगी, और मुझे लगता है ये उनकी बेस्ट फिल्म है। मुझे लगता है साल की बेस्ट पिक्चर है। और जिस तरह से जो आनंद जी का नज़रिया है लाइफ से, आई थिंक वो इतनी एंटरटेनिंगली लाइफ को प्रेजेंट करते हैं कि, और जो मैसेज है, आप हफ्ते से पिक्चर ख़त्म हो जाती है और अगले टुमारो मॉर्निंग यू विल रियलाइज अगली सुबह कि इस पिक्चर ने आपको इमोशनली भी अफेक्ट किया, क्योंकि वो हंसाते इतना है, तो मुझे तो पिक्चर बहुत अच्छी लगी। आई थिंक द फिल्म कंगना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कंगना एज दत्तो, जो उनका दूसरा किरदार है, इज वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ दी। मतलब आई एम कम्प्लीटली फ्लॉड जिस तरीके से उन्होंने यू नो रोल प्ले किया है, और दोनों कैरेक्टर्स के अंदर इतना डिफरेंस है एंड फैंटास्टिक। सिनेमा का ट्रेंड बदल गया आपको लगता है? मुझे लगता है कि अभी कॉन्टेंट इज किंग, जो हम हमेशा से बोलते हुए आए, बट टुडे इज बिकम मोर रेलिवेंट, और अगर पिक्चर अच्छी है तो वो चलेगी। इट्स एज सिंपल एज दैट, एंड मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी पिक्चर है। कम एक्शन सीक्वेंस होते हैं, एंड आई थिंक जेन्युइन सीक्वेंस ऑल द बेस्ट फॉर द एंटायर।